देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बिट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर बरेली से है। रामगंगा की कटरी एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप गई। इस बार बदमाश नहीं बल्कि जमीन की हकदारी को लेकर हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। एक पक्ष गंगा की कटरी में कई सालों से जमीन को जोत रहा था, जबकि दूसरा पक्ष हथियारों पर दबंगई दिखाते हुए कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पहला पक्ष राहुल का है, वहीं दूसरा पक्ष पुत्रपाल का। कल दोपहर राहुल जब खेत में जुताई कर रहा था, तभी पुत्रपाल अपने आधा दर्जन से अधिक हथियार बन साथियों के साथ आया और फायरिंग शुरू कर दी। ट्रैक्टर के पहिए पर भी गोली मारकर पंचर कर दिया। साथ ही धमकी भी दी कि अगर खेत में दोबारा नजर आया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, जिसमें हथियारों के बल जमीन को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को देख पुरानी कटरी की याद ताजा हो गई, जब बदमाश बेरोकटोक हथियारों के बल पर किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं बरेली से साहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही विशेष खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मामला प्रकाश में आया जहां पर जमीन की जोतने को लेकर जो है विवाद हुआ है, शहरी मूल्य कब्जा इसको लेकर क्या है पूरा मामला किस तरह से। थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो नदी किनारे है, वहां पर दो पक्षों में जमीन की कब्जेदारी को लेकर मारपीट हुई है, उसमें हवाई फायरिंग भी हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा ये पता चला कि मौके पर दोनों ही पक्षों के द्वारा इसमें गोली चलाई गई है, जिसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों ही पक्षों के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों ही पक्षों के जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उनके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें और आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।